डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर मेरठ के कंकड़खेड़ा थाना क्षेत्र के जंगठी जंगल में आज 35 वर्षीय युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई। विपिन कुमार नामक यह युवक प्राइवेट नौकरी करता था। हाल ही में उसने नौकरी छोड़ी थी। रविवार सुबह वह घर से निकला था, लेकिन शाम तक वापस नहीं लौटा। शुक्रवार को युवक का शव गांव के बाहर ट्यूबवेल से 10 कदम की दूरी पर एक के खेत में पड़ा मिला। बदमाशों ने उसका सामने से गला काट दिया था, जिस कारण से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों ने किसी भी रंजिश से इनकार किया है। मारे गए युवक का पिता का नाम रूप राम है। ये लोग जंगेठी में रहते हैं। माना जा रहा है कि हत्या से पहले विपिन से मारपीट भी की गई थी। इस बारे में SP सिटी विनीत भटनागर ने यह जानकारी दी। 33 साल का ये युवक है, विपिन कुमार सनफ श्री रूप राम इनका नाम है। ग्राम जंगेठी के रहने वाले हैं। ये 6 भाई हैं। इनके बड़े भाई ने, सबसे बड़े भाई विजेंद्र ने आज एक तहरीर थाने पर दी, जिसमें बताया है कि इनके भाई की किसी ने गला रेत कर हत्या कर दी है। मौका मुआयना किया गया है, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। गले पर चोट के काफ़ी कट के निशान है। ऐसा लग रहा है जैसे कि गला जो है सामने से लगभग 5-6 इंच रेत के काट दिया गया है, और वहीं ट्यूबवेल के बगल में इनके बॉडी को छोड़ के भाग गए। किसी के विरुद्ध इस तहरीर में नामजद नहीं किया गया, ना किसी में शक व्यक्त किया गया है। कुछ लीड हम लोगों को मिली है। हमारा प्रयास है कि साक्ष्य के आधार पर जल्दी से जल्दी हम इन अभियुक्तों का पता लगाएंगे और घटना का नाम। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए FirstBite.tv। नमस्कार।